दोस्तों, सोने से पहले जाने इन पांच महत्वपूर्ण बातों को, नहीं तो आपको भी पछताना पड़ेगा। हम 24 घंटे में से कम 8 घंटे बिस्तर पर सोते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि सोने से पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसी पे हमारा भविष्य टिका हुआ है। तो आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, अभी के समय कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ लोगों को नींद ही नहीं आता। तो दोस्तों, सोने से पूर्व प्रतिदिन कपूर जलाकर सोएंगे तो आपको बेहद अच्छी नींद आएगी और साथ ही हर तरह का तनाव खत्म हो जाएगा। कपूर के और भी कई फायदे होते हैं। दोस्तों, सोने से पहले भी कुछ बातें सोचना बहुत ही जरूरी होता है। तो सोने से पहले आप बिस्तर पर वे बातें सोचें जो आप जीवन में चाहते हैं। जरा भी नकारात्मक बातों का ख्याल ना करें, क्योंकि सोने का पूर्व 10 मिनट तक का समय संवेदनशील होता है, जबकि उस समय आपका अवचेतन मन जागृत होने लगता है और उठने के बाद कम से कम 15 मिनट का समय भी बहुत ही संवेदनशील या सेंसिटिव होता है। इस दौरान आप जो भी चाहते हो वह वास्तविक रूप में घटित होने लगता है। नेक्स्ट विचार के बारे में हम बात करते हैं, तो झूठे मुंह और बगैर पैर धोए नहीं सोना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले रात का खाना खा लेना चाहिए और रात का खाना हल्का और सात्विक होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप सोने जा रहे हैं तो यह भी तय करें कि आपके पैर किस दिशा में है। दक्षिण और पूरब में कभी पैर ना रखें। पैरों को दरवाजे की दिशा में भी ना रखें, इससे सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। दक्षिण में सिर रखकर सोने से भी शांति और सेहत तथा समृद्धि भी मिलती है। अब दोस्तों, अंतिम विचार के बारे में बात करते हैं, तो सोने से पहले अपने इष्ट देव को एक बार ध्यान जरूर करें और फिर प्रार्थना कर सो जाएं। इससे फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से नींद ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए। और चाहे तो आप लाइक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। इस तरह का कंटेंट आपको शॉर्ट में डेली मिलता है। धन्यवाद।